भैया हरो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। जहां भी देखो मामला है सिर्फ राजस्व विभाग को, जमीन को, सरकारी जमीन को। पूरा छतरपुर जिला जहां देखो गांव, तहसील, शहर, कस्बा, हर जगह मिले लफड़ा सरकारी जमीन पे मिले, और कब्जा मिले तो सरकारी जमीन पे मिले। कैसे प्रशासन इतना उदासीन है, प्रशासन के बस को कछु रह नहीं गो, कार्रवाई अधिकारी करबो नहीं चाह, बैठ के सिर्फ तमाशा देखा। आज बुंदेली चुगली के ये लाइव प्रस्तुति है भैया। हम एक मामला जो आज दिखवा रहे, जो बीड़ी कॉलोनी को है, देरी रोड में है बीड़ी कॉलोनी, उतरे को मामला है। जो इतने सरकारी जमीन है थी, सरकारी जमीन में कब्जा करोगे अच्छे ढंग से करोगे, जैसे आप देख सकते कि ये मकान पूरे बन चुके। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कहाँ है प्रशासन की, सबसे बड़ी लापरवाही कहाँ है कि पहले कार्रवाई नहीं करे, पहले कुछ ना करे, देखत रहे, तमाशा देखे। जब मूरा फट्टी हो जाए, आदमी मरण लगे हैं, लड़ भिड़ गए हैं, फिर आए तो पुलिस खा है, पुलिस रुपया ले है, राजस्व वाले ले हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करे। जो मामला एते को है बीड़ी कॉलोनी को, सबसे गंभीर मामला है भैया। देखो जा सकत कि पीछे कुआ है, एक बहुत पुराना कुआ है, बहुत बड़ो कुआ है। जो एक कुआ से पूरा निस्तार चलत तो पूरे मोहल्ला को, लेकिन वो कुआ भी नहीं बचो। जैसे हम अभी आपका एक एक चीज दिखवा भी, जो लाइव प्रस्तुति दे रहे हम कि जी मैं सबको देख ले, अधिकारी भी देख ले, सब आदमी देख लें कि भैया आंखें खुले अधिकारियों की। जो कुआ है के पीछे है भैया, कुआ की रास्ता इन लोगों ने बंद कर दिए थे, ऐसे कुआ में पूरी तरह से इन्हें कब्जा कर लो। आगे हम अब देखो इतने गंदगी है, हम आगे से कहूँ तो कोशिश कर भी कि हम कुआ दिखवा भी आप लोगों का, वो कुआ पूरी तरह से कब्जे में कर लो गो। जबकि जो जमीन सरकारी है, कुआ सरकारी है, वो कोई को नहीं है। ये मकान जितने बने भैया जी, सब सरकारी जमीन में मकान बने, जितने हम आपका मकान दिखवा रहे ये सब सरकारी जमीन पे बने। इनमें कोनो ध्यान कोनो अधिकारी ने नहीं दो, जमीन कब्जा हो चली गई, ये सरकारी बेशकीमती जमीन है, लेकिन सब जमीन पे कब्जा। हम सब दिखवा हैं, कुआ भी दिखवा हैं, एक एक चीज बताइयो, हम सब सामने रखें, सब दिखवाइयो, सब दिखवा भी हम। यह लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चुगली की भैया, जब गर्मा गर्म खड़े देखो, जो मलमा डरू जो मेन रास्ता है। अब विवाद कहाँ से शुरू होती, कॉलोनी में विवाद तो बहुत है और हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही रहा, जमीन पे होते थे। जो मलमा डरो है देखो, हम दिखवा रहे हैं आपका, जो डरो जो मेन रास्ता पे डरो, जबकि मेन रोड बंद ना भाव चाहिए, या आम रास्ता कहा, उसी में कोई भी हो, रंगदार दादा गुंडा भाई कोई हो, कोई खा जो अधिकार नहीं है कि वो रास्ता बंद करे। अब जो मामला आ रहा हो भैया, जो मकान सामने हम दिखवा रहे हैं आपका, जो मकान बनो सफेद जी की जो बाउंड्री दिख रही, इके बाद जो पट्टा को मकान है भैया, इको पट्टा मिलो इन्हें, इके बाद जो जमीन डरी सरकारी, जहाँ जो खड़ी है भाई, जो जमीन सरकारी है जा। अब जो जमीन सरकारी को ने माफिया खां बेच दई, को ने कोखा बेची, को ने कोखा बेची। अब वे क्या कर रहे कि जो रास्ता ले रहे इतने से, जबकि जिनकी जमीन है बात, जमीन उनकी 90-95 से उन्हीं के कब्जा में है, क्या पूरी सरकारी जमीन है, सबको उन्हें कब्जा करो तो उन्हें भी करो, तो वो 90 से उनके अंडर में है वह जमीन, कब जमीन हमारी या बे उनको दावा है। अब वे जिनने जमीन जो लई है, वे कह रहे नहीं रास्ता हमें इतने से जाने, विवाद ई बात को। अब जो विवाद है तो भैया, हम एक एक आदमी से बात करवा रहे, इतने को घटनाक्रम का है, हम उस समय पे ना हटे। अब इतने आके भाई तुम अपनी बात बता सकती, एक एक चीज बता सकती, का है घटनाक्रम, कैसो है घटनाक्रम, आ भैया बताओ, इतने सब जने सामने बताओ का घटना है, कैसी है। जब जमीन को विवाद भैया एक जगह को नहीं है, हर जगह को है, लेकिन इतनी लापरवाही है राजस्व विभाग की, इतनी लापरवाही है। जे हैं भैया भुक्त भोगी, जिनके संगे घटना घटी है, जिनकी जमीन पे कब्जा करो जा रहो, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी के का घटनाक्रम है, कैसो है भैया, जो सुनो। जो बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति है, और खास तौर से है जो अधिकारियों के लाने कि अगर ध्यान ना दे हो, अबे ध्यान ना दे हो, मीडिया आपका अवगत करवा रहे, हम लोग दिखवा रहे, लाइव प्रस्तुति दे रहे बुंदेली चुगली की। देखो जो घटनाक्रम कल के दिन अगर रहते, कोनो बड़ी घटना घट गई तो जिम्मेदार को है सिर्फ प्रशासन।
केवल प्रशासन जिम्मेदार है, कैसे ऐसी जगह विवाद ज्यादा हो सरकारी जमीन है। अब इनके संगे जो घटना घटी है, इनके 90 में जमीन जब कब्जे में रही और आज तक नहीं के कब्जे में है, इनके पास पट्टा भी है लेकिन जिनने बेची है बेगाय में, जिनने खरीदी है वे नहीं आए थे। हम उनसे भी कोशिश कर भी मिलवे की, उनसे भी उनको भी पक्ष जान भी, लेकिन वे अब नहीं आए। जो विवाद है ये तो को सामने है। अब देखो हम इनकी कहानी नहीं की जुबानी सुनवा रहे, भैया बताओ का घटनाक्रम है। हेलो श्रीमान जी, हमने हमारा जमीन डरी थी इधर, उनने जाके 30,000 रुपए में दूसरे जने खटे एक कोरी को बेच दिया, मुसलमान ने एक कोरी को बेच दिया। वो हमको इधर से निकलने नहीं दे रहा, कह रहा है कि हमको चाहिए ये जमीन। तो हमारी वो जमीन डली थी पराट में, तो हमने कहा कि हमें इधर पिलर खोदना है, तो इन लोगों ने हमको पिलर नहीं खोदन दिया। बोली कल नहीं हम तुमको देख लेंगे, हम इधर रास्ता नहीं देंगे, हम नहीं हम रास्ता दे रहे तुमको, हमको इधर पिलर खोद लें दो। कहते नहीं हमने बनाना है हमको इधर से। तो हमको जी हमारी जमीन छीन ली इनने पूरी, और हमें लड़वे के लाने अधिकार कर रहा है, ना हमारी टैक्सी ऐसी कोई वहाँ नहीं निकलन दे रहा है बिल्कुल। श्रीमान जी हमको जी कून बहुत करेंगे, हमारी रिपोर्ट करने के लिए जा रही हैं कि हम तुम्हें हरिजन में तुम्हारी रिपोर्ट करेंगे। उन्हें उन्होंने खरीदी अभी 30,000 रुपये में मलमा देखा तो पूरी रोड भर पर डला है, हमारी ठिलिया नहीं निकलन दे रही, हमें इतने दबारे पे दे रहे, कह रहे हम अपने ना हम अंडा मंडा बेचते हैं। श्रीमान जी हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारा आदमी रिक्शा चलाता है और हम लोगों के इतने परेशान कर रहे हैं, दारू पी पी के हम उनको गाड़ी बखवा रही है रोज डेली। देखो भैया जो है भुक्त भोगी जिनके संगे घटना घटी है, या जमीन भी हम दिखवा रहे कैमरा मैन से एक बार के, मेन विवाद इस जमीन से है जहाँ जो बारिश ही लगी है, जो पेड़ों लगो एक छोटो सो जो इन्हीं को आया जो इनके कब्जे में रहो, बताओ जो कब से आपके कब्जे में है पट्टा, आपका कब मिलो, कब से कब्जा है? 95 में पट्टा मिलो तू। अच्छा, 95 ही समा से कब्जा पूरा जो मैदान रहो तू। जब सब आदमी घुसे आए में तो फिर हमने भी साहब अपने बच्चा का लाने जो इतनी जगह हम रोके रहे, जब इतना पूरा मैदान रोड एक भी मकान ना है इस जगह पे पूरा खाली रोड, तो हमने इनमें मजदूरी करी 40 रुपये रोज पे हमने जो मकान बनाए हैं। हमसे ज़्यादा इस जगह के बारे में कोई घर नहीं है मालूम, कहे कि हम जब एक हरदयाल ठेकेदार तो आज उनकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से, वो ठेकेदार ने तो और हम जो है काम करता है थी 24 अस्पताल पर रामकिशोर गुप्ता के मकान में ही बड़ी ऑफिस है तू, और तैसे जो है हमें पट्टा मिलो तो स्कूल में पट्टा बटे थे आके हमने जो है जो देख के मकान लो तू कि ई में जगह ज़्यादा है उस हिसाब से हमने जो मकान लो, आज जो पूरा हमारी जगह जो है पूरी छुड़ा ली आज मिलने 95 में पट्टा पड़ी थी स्कूल में छात्रावास तक पट्टा पड़ी थी, और आज देखो तो हमारे आने निकाय में भी रास्ता नहीं बची, वो गाड़ियाँ लग बकती हैं और सर इकट्ठे हो गए पीछे से, पीछे आवास भी बना रहे हैं, उन्हें आवास भी पास करा रहे भाई लोगों ने, 3-4 मकान ऐसे हैं कि उन्हें सरकारी जगह कब्जा करके उन्हें आवास भी पास करें, और जिंदगी को कुआ है पूरी बड़ी कॉलोनी पानी भरती, जब कोई भी नहीं रहते होते केवल 50 आदमी रहते, जब पूरा आदमी जैसे पानी भरते आज 5,000 से ऊपर आदमी है फिर भी कुआ के आने एक भी कौन से जगह ही नहीं बची। 20,000 रुपया में मकान जमीन बेच दी सबरी उधर से लेके कुआ के पास से पूरी जमीन बेची है। जो है भैया हाल देखो दलाल कैसे सक्रिय है माफिया, 20,000 रुपया में झंडा मरवाया जमीन अगोट रहे और एक दूसरे को बेच रहे, क्या जमीन बिक गई है और इतने हमारे जियोरे अवे अवे आए और अवे अवे कब्जा करके रहने लगे, हमारे 30 साल से रह रहे जो हम कब्जा नहीं ना जगह ले रहे ना कछु, ऐसी वेस वेस के खा रहे अगोट रही और न कभी 20,000 में कम ले लो 25,000 में कम ले लो जो मर आए हैं। जो है भैया बंदर बाट सरकार की आंखें फूटी हैं, प्रशासन की आंखों में चश्मा लगो, सरकार ये करवा रही जो भैया देखो जाहे हकीकत बात जो हमने पहले कही थी भाई बात आ गई, तो जान जान करा रही है सरकारी मकीन जगह पे आवास पास हो गए, आज 7 साल नहीं होने से आए, आज इतने आगे इतिहास देख लो हमारा 25 यानी कई साल 25 साल से ज्यादा हो गए हमारे कछु नहीं कर पाए, जो आज 5-7 साल भाई बया के मकान बना गए और आवास पास करा रहे सरकारी जमीन पे और हो भी गए उनके काय, और हमारे आज भी फिर रहे फड़फड़ाते हम उनके टैक्स तक नहीं भरे जा रहे कि हम इसे 25 साल से कब्जा करें, हम उन्हें फड़फड़ाते फिर रहे यानी इतने भरो चल रहे होते उनके जो करो तुम पहले नंबर ऐसे जो हटाओ सब रो हटवाओ ऐसे जो हटवा उनके जो सरकार करवा रही जो सब रो काम मिलो रहे बिल्डिंगे खड़ी हो गई जो बिल्डिंगे खड़ी 10-10 कमरों की बिल्डिंगे खड़ी हैं राजनीतिक प्रभाव से, इसके पीछे आप जाके देखें
कम से कम 100x100 में कब्जा किए, राजनीतिक प्रभाव है उनका, उनके खिलाफ कोई कहने वाला नहीं है, कोई विधायक का, कोई जो मतलब किसी का, और ज्यादा करो तो कट्टे निकलते। तो भैया जा है दशा इनकी बेचारे की, कि जैसे तैसे जो गुजर कर रहे। आगे आपका बॉबी दिखवा रहे, जो मामला है तेको बहुत बड़ो है भैया, बीड़ी कॉलोनी है, जब वैसे बदनाम रात लड़ाई झगड़ा खिलाने इतने ये हो जा लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चुगली की, आप सब जने देखो इसका। इतने इतनो इतनो ज्यादा आदमी परेशान है, इतनो ज्यादा परेशान है कि जी को जहाँ प्रभाव है वो अपने प्रभाव को इस्तेमाल करके जमीन कब्जा कर रहा हूँ, 100-100 फुट के प्लाट इतने कब्जा करे जा रहे। सरकारी जमीन है थी पूरी, जब बहुत बड़ी जमीन है थी, लेकिन सरकार की आंखन में, प्रशासन की आंखन में कैसो चश्मा चढ़ो है कि ने पूरी करोड़न की जमीन या बेशकीमती जमीन टुकड़न टुकड़न में चली गई। और सबसे बड़ी लापरवाही देखो, सबसे बड़ी दलाली प्रशासन की, कि वही जमीन के आवास पास करी गई। अब अगर कार्रवाई ये कर रहे तो की को जा रहो, सरकारी को जा रहो ना, तो कार्रवाई भी नहीं कर सका। एक भैया देखो जो मकान है, एक जो मकान देखो भैया, इन्हें को कैसे कह सकत के गरीब, अगर जमीनन में कब्जा हो सरकारी जमीनन में हो, जो देखो बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग देखो की बनवाई देखो, कैसे कह सकत, कौन कीमत पे कह सकत के जो गरीब हैं। गरीब आदमियों के मकान ऐसे नहीं बनत, गरीब आदमियों के मकान बनत तो भैया दुनिया जानत के गरीब गरीब का हाउस सामने वो झोपड़ा दिखा रहा वो मानो जा सकत के गरीब है। ऐसे लोग अगर जमीन पे कब्जा कर रहे तो चलो जायज है, गरीब आए भूखे प्यासे आ बेचारे, भी सरकारी जमीन अगर कब्जा कर रहे तो वो सही है। अब आगे स्थिति भैया जो है कि जब पूरी कॉलोनी सरकारी है, हर जगह ही जमीन पे मकान बन चुके, अब मकान बन गए तो प्रशासन का तो पसीना छूट जाए, गिरवा है कैसे कायम, नेतागिरी हो जाए, राजनीति बीच में आ जाए। अब आज देखो जब पूरा मोहल्ला इकट्ठो है भैया, जब लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चुगली की, देखो सबई जने इत को मामला हम पूरा दिखवा भी, एक एक दिखवा भी, एक एक घटनाक्रम से आपका हम वाक्य करा भी, जब लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चुगली की। इतने देखो जो मकान बनो है भैया, जो मकान बनो सामने देखो, कैमरामैन से हम चाबी की नीचे से ऊपर तक, दाएं से बाएं तक पूरा घुमा के ही मकान का दिखवा। अब इन्हें सरकार कैसे कह सकत के जे गरीब हैं, कोई आदमी कैसे कह सकत के जे गरीब है, लेकिन जब जमीन सरकारी आए टोटल सरकारी हुई पे मकान बनो खींचो। ई कॉलोनी में जितने मकान बने हैं उनमें उन्हें पट्टा भी दे दे गए, पट्टा दे दे गए, बे जायज है बे मकान जायज, कहाँ की सरकार ही ने पट्टा दे है, सरकार ही ने करो। लेकिन उन जमीनन की बात नहीं हो रही कि जो डरी थी वो कब्जा हो गई, मकान बन गए, ना उनकी पट्टा है ना कछु है, और उनमें आवास पास भाई, आवास पास भाई तो कैसे भाई। अब हम आपको वो कुआ भी दिखवा रहे कि जहां से पूरी कॉलोनी के आदमी पानी भरते, कुआ देखो आप सभी जने, कुआ को रास्ता बंद कर दोगे, अब वो कुआ को कोनो उपयोग आदमी नहीं कर सका। मुर भी दो ना कुआ, कुआ पूरा पूरा कॉलोनी को पानी को सप्लाई करते। तो भैया जी में पूरे कॉलोनी को निस्तार चलत तो वो कुआ पूर दो गो। अब वो हम आपका कुआ दिखवा रहे, जो देखो भैया कुआ दिखवा रहे हम आपका कुआ देखो सभी जने, और ई तरफ से आओ सी तरफ, जो देखो हम दिखवा रहे आपका एक सबूत दिखवा रहे, जमीन सरकारी सरकारी भर रो देखो, जमीन सरकारी है, इनको मकान कहूं और हुई है, लेकिन कब्जा की नियत से जो करोगे प्रधानमंत्री आवास दिखवाओ जा, थोड़ी जूम करके दिखवाओ जा, कि सरकारी जगह पे जो है ना इनके पास कोनो पट्टा है जमीन को ना कछु है। आके इन्हें 2-4-5 साल भय हैं अबे, और आके देखो इनने कितनी जल्दी अपनी कोशिश और पैसा की दम पे, भ्रष्ट प्रशासन की दम पे जो कब्जा हो को। अब जो नाला है भैया देखो, जो नाला को रास्ता बंद हो चुको, जो नाला आगे समट गो कहूं से लाने रास्ता नहीं बची। ई कॉलोनी को जो हाल है, सरकारी जमीन को बंदर बांट कितनी तेजी से भाव, और कैसे जो प्रशासनिक अधिकारी ये सब भैया सरकारी है, हम जितनी भी जमीन दिखवा रहे, अरबन रुपया की जमीन जा
सरकार की लापरवाही से चली गई, प्रशासन की लापरवाही से। अब एक मकान जो भी देखो भैया, सरकारी आवास को लाभ मिलो इन्हें, जबकि जमीन सरकारी, कोई पट्टा नहीं, कोई कुछ नहीं, कब्जा। अब जो भैया वो मुख्य कुआ जी से पूरी कॉलोनी को निस्तार चलत, तो पूरी कॉलोनी पानी की उपयोग करती कुआ को। लेकिन आज की स्थिति जा हो गई भैया, हम कैमरामैन से चाबी की कुआ हम पहले दिखवा दो जाए अच्छे तरीके से कि देखो जब बाउंड्री है कुआ कैसो कब्जा भाव, जब जमीन बाउंड्री दिखाओ भैया पूरी, जब बाउंड्री दिखाओ जो बाउंड्री है देखो, जन नाली आके सीधी कहाँ नाला कहाँ गिरा दोगे कुआ पे। अब सोचोगे ये प्रशासनिक अधिकारी, ये SDM कलेक्टर जितने भी अधिकारी हैं राजस्व विभाग के, ये क्या कर रहे हैं, इनकी ड्यूटी का है देखो जो नाला हो रास्ता हो, और जो रास्ता सीधो सीधो कुआ में पटक दोगे जो नाला, नाला को पूरा पानी कुआ में आओ, कचरा हो कुआ पुर गो। और जो देखो जब बाउंड्री से कब्जा कैसो करोगे कुआ में, कि जे मकान बन गए जे बन गए, रास्ता जाहती जा रास्ता बंद, जब रास्ता बंद कर दी गई जो है कुआ, देखो हम आपका दिखवा भी रहे कि चारों तरफ से कुआ घिर चुको जो है कब्जा कुआ में। और कुआ इतना पुराना कुआ है तो जो सब जने यही को पानी पियती से पूरा निस्तार चलत, तो कुआ की हालत जा है जो है भैया। नाला हम आपका सामने दिखवा रहे, जब नाली आई जब नाली भी बनवा दी नगर पालिका की, देखो उदासीनता, लेकिन आंखें फूटी रही इन्हें जो नहीं दिखानो के जब नाली को मोक कहाँ करो नगर पालिका ने। तो सबसे बड़े दोषी तो जो ठेकेदार और नगर पालिका CMO से लगा के कि आखिर जब नाली ये तक कैसे आई, कहाँ आंखें फूटी थी इनकी, इन्हें जो नहीं दिखानो के जो कुआ है जिसे सबको निस्तार चल लो, आखिर कितनों रुपया खाओ ही में, जब सोचने वाली बात है भ्रष्टाचार उजागर है, पूरा उजागर है भ्रष्टाचार। जा जमीने सामने जितनी जमीने हैं ये सब सरकारी है, लेकिन मकान देखो को उन्हें कहे कि ये गरीबन के मकान आए, हम ही के पक्षधर नहीं है, गरीब के हम पक्षधर है। अगर गरीब है सरकारी जमीन में कब्जा करें ऊ करे हैं, ऊखा दई जाए उनके पास नहीं है, खरीदने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो करोड़पति हैं जिनके मकान सब कछु हैं, दिखा दो मकान दोबारा जूम करके दिखाओ, हमने सब मकान दिखवाए जितने करोड़पतियन के हैं, कहते कब्जा कैसे हो रहा, जो को कहे पिलर से मकान बन रहे, कैसी बढ़िया मजबूत मकान बन रहे, क्या मंजिला बनने ने, ये कैसे गरीब हैं, ये गरीब नहीं कहा जा सकता। सरकार की आंखन में धूल झोंक के रुपया भर के अधिकारी बिके हैं, अधिकारियों के मुँह में चांदी को जूता मारो जा, चांदी को जूता मिला के बो दे, मुँह में मिला के उन्हें कछू नहीं दिखा, बिक जा, भ्रष्ट हैं। ऐसे ही नाली को मोह सीधो सीधो देखो, हम बार बार दिखा भी कि आंखें फूटी थी, चश्मा लगाए थे, काय जो नाली को मोह सीधे कुआ में डाल दो, सीधो नालो पूरा नालो कुआ में पटक दो, कुआ पूर दो। तो भैया जब बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति है, चारों तरफ देखो जनता है, दिखाओ भैया चारों तरफ से दिखवा दो कि आदमी खबर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहो, कि भैया बड़ी खबर है, जा कितनी लूटपाट मची है प्रशासन की। अब बुंदेली चुगली की खबर भैया आज के लाने बस इतनी है, अगर चैनल आपका पसंद आउट हुए, अच्छा लगत हुए, तो भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे ही खबर देखो बुंदेली चुगली में, झाकेदार, निर्भीक, निडर, निष्पक्ष, कोई को डर नहीं है, हमें चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो SP हो, चाहे IG DIG हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, बुंदेली चुगली दब के काम नहीं करे, निर्भीक निष्पक्ष काम करे, जो हमारा नारा है, हमारे खिलाफ जी जो कुछ करने हो कर सकत, कोनो केस बनाने हो बना सकत, लेकिन हम डर के काम ना कर भी, हम जो हकीकत है बस सामने रख भी। आज जो हम दिखवा रहे एक बार फिर दिखवाओ, जो नाली जरूर दिखवा, देखो कलेक्टर शीलेंद्र सिंह तुम्हारा ने स्पष्ट संदेश है कि जो नाला सीधे कुआ में पटकोगा वो कहाँ हतो, जो प्रशासन अंधो हतो बहरो हतो। अब ये खबर का हम फिर दिखा भी आगे भैया, हम फिर यही की लाइव खबरें देवी की मैं क्या कार्रवाई प्रशासन कर रहा हूँ, आगे होकर रहो, हम ही खबर पे बने रहे भी। जब तक के लाने भैया यूट्यूब चैनल का हमारे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, देखो दिखाओ, और बताओ सबका की जाए बुंदेली चुगली चैनल, निर्भीक, निष्पक्ष, निडर। आज के लाने बस इतना भैया, हरो राम राम।